हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं इंदिरा शर्मा रसोई मम्मी की मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके पास बेल आइकन बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम मूंग की दाल बनाएंगे, पालक वाली मूंग की दाल। तो मूंग की दाल एक बॉल के करीब लेके मैंने इसको भिगो दिया था आधे घंटे करीब, और भिगोने के बाद थोड़ी फूल गई है तो इसे मैं छलनी से छान लिया है, और ये उबलते हुए पानी में कुकर में इस तरह से डाल रही हूँ। और डालने के बाद कुकर में मैं ये नमक डालूँगी, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे फ्रेंड्स नमक, और थोड़ी सी हल्दी डालूँगी। और इसके बाद ये मैंने अभी आपको बताया था थोड़े दिन पहले, ये अदरक, हरी मिर्च, लहसुन और प्याज का पेस्ट है, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ करीब एक चम्मच के करीब। और अब मैं कुकर बंद कर दूँगी, ढक्कन लगा दूँगी। ये उबलते हुए पानी में ही हम दाल डालेंगे। गैस मैंने धीरे कर दी है, उफनने वाली थी इसलिए, तो अब मैं ढक्कन लगा रही हूँ। ये कुकर पे ढक्कन लगा दिया मैंने, और अगर सिम पे कर दिए, गैस मैंने सिम पे कर दी है फ्रेंड्स, और अगर ये दाल बाहर आती है, उफनती है, तो हम इसे बिल्कुल बंद कर देंगे, गैस बंद कर देंगे। करीब 10 मिनट के लिए गैस बंद कर देंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा बबल्स आने लगे हैं, तो मैंने गैस बंद कर दिए। ये थोड़ा पानी भी निकला है बाहर, ये देख सकते हैं आप थोड़ा, तो मैंने गैस बंद कर दिया फ्रेंड्स। अभी 10 मिनट गैस बंद रहेगी, फिर मैं वापस जलाऊंगी, तब वो बार बार उफनेगी नहीं। तो फ्रेंड्स, दाल हमारी हो गई है कुकर में, और अब हम पालक का छौंक लगाएंगे। दूसरी कढ़ाई में हम पालक डालेंगे। तो पालक के लिए देखिए मैंने ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को बारीक बारीक क्रश कर लिया, कटिंग कर लिए, और ये टमाटर है ये भी मैं कटिंग कर लिए और अभी डालूँगी। और ये एक बॉल के करीब पालक है, इसे मैंने अच्छे से धो लिया है 3-4 पानी से, और छोटी छोटी कटिंग कर ली है। तो हम इसका छौंक लगाएंगे। इसके लिए पहले मैं जीरा डालूंगी, जीरा डाल दिया, फिर थोड़ी सी हींग भी डालूंगी, और ये हींग डाल के, और ये अदरक, हरी मिर्च और लहसुन ये डाल देती हूँ। इसका छौंक लगा दिया हमने, थोड़ा सा हम इसको गलाएंगे, करीब आधा मिनट तक गलाएंगे। और अब इसमें मैं ये पालक डालूंगी, पालक डालने के बाद ये रूटीन मसाले हैं, ये रूटीन मसाले मैं आपको दिखाती हूँ। ये हल्दी डाल रही हूँ, थोड़ी सी मिर्च डाल रही हूँ, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, और ये नमक डाल दिया। इस तरह से हम इसे थोड़ा मिक्स कर लेंगे, और अब मैं थोड़ा टमाटर डालूंगी। अब 2-3 मिनट तक इसे भाप में पकने देंगे। ये भाप में पक रही है सब्जी हमारी,
पालक और टमाटर सब मैश हो रहे हैं और अभी हम दाल मिक्स करेंगे। अब 2-3 मिनट हो गए हैं और ये देखिए आप पालक और सारे मसाले मिक्स हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी, जरा सा, बस 2-3 छोटे चम्मच पानी डाला है और ये 3-4 मिनट और मिक्स होगी पालक और सारी वेजिटेबल्स, इसमें टमाटर वगैरह जो भी हैं सब, और 2-3 मिनट बाद हम फिर ढक्कन खोल के देखेंगे। फ्रेंड्स देखिए ये दाल भी हमारी हो गई है, इसे मैंने एक सीटी तो हाई फ्लेम पे लगाई थी और फिर धीरे गैस करके 3-4 मिनट तक रखा, तो मूंग की दाल बहुत जल्दी हो जाती है। ये बॉईल हो गई है, बस अब इसमें हम मिक्स कर देते हैं, पालक भी हो गया है हमारा। ये दाल इसमें मिक्स कर रहे हैं, मूंग की दाल इसमें डाल दी है और अब गैस थोड़ी तेज कर देते हैं ताकि ये डिजॉल्व हो जाए, मूंग की दाल और पालक सब इसमें डिजॉल्व हो जाए। देखिए उबल रही है दाल, ये पालक वाली दाल कितनी मस्त लग रही है फ्रेंड्स। अभी इसे फिर ढक के रख देते हैं ताकि सब अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये उबलना शुरू हो गई है और इसे मैं ढक देती हूँ। ये 3-4 मिनट हो गए हैं, देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी दाल हो गई है अपनी, और अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। गैस बंद कर दी मैंने, उबल गई है दाल और मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। बहुत ही अच्छी दाल बनी है, देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी दाल बनी है, ये मूंग की दाल पालक वाली, और इसके ऊपर धनिया से गार्निशिंग कर दी है मैंने, आप देख सकते हैं ये मैंने धनिया से गार्निशिंग कर दी है, और आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं, नींबू से तो और भी मस्त लगेगी ये गरम गरम मूंग की दाल पालक वाली। तो फ्रेंड्स ये रिच प्रोटीन वाली और न्यूट्रिशियस बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सबके लिए बहुत अच्छी मूंग की दाल पालक वाली है, तो आप मुझे बताएंगे कि आपको कैसी लगी, आप कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे फ्रेंड्स कि ये मूंग की दाल कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स, बाय।